सना मुझे ये बताओ कि कितना अरसा हुआ तुम्हें शिफ्ट हुए हुए? आई थिंक मुझे 10 महीने हो गए. 10 महीने हो गए. 10 महीने. और ये प्लान कैसे तुमने बनाया कि मैं, अच्छा अब मैं कसाम के पास जाके रहती हूँ? एक्चुअली निदा हुआ ये था कि पहले कसाम ने मुझे कहा था कि सनम यू नो उसका ही वॉज लाइक मैं 3-3.5 साल बाद वापस आ जाऊँगा. उसका पासपोर्ट का टाइम पूरा होना था ये वो. बट सिचुएशन ऐसी हुई कि यू नो ही हैज़ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देयर. तो फिर एयरलाइंस कितनी सारी एग्जैक्टली वहाँ गए तो इतनी फ्लाइंग है और ये सब. और एक पायलट के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्लाई करना जो है वो उसकी करियर के लिए अच्छा है. तो मैं अब हम वेट कर रहे थे मेरे ग्रीन कार्ड का, तो वो हो ही नहीं रहा था, हम फंसे हुए थे. तो मैंने डिसाइड किया था कि जब ये हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, राइट? बिकॉज सब लोग इतने सवाल करते थे ये मियाँ के साथ यूनियन नहीं, इनके मियाँ इनके साथ नहीं है. तो अब वो रीजन यही था कि हमारा वो आ ही नहीं रहा था. अलाया को वीजा कभी नहीं मिलता था, मेरे पास वीजा था, तो अब मैं बच्ची को छोड़ के तो नहीं जा सकती. सो आई वॉज वेटिंग. तो अब जब हमारा वो आ गया ग्रीन कार्ड, तो आई वॉज लाइक ओके सनम दिस इज द टाइम नाउ. अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है यहाँ रहने का. तो फिर हमने डिसाइड किया कि बस यार अब जाते हैं, बहुत हो गया. सो जब तुम जा रही थी तो एक्साइटमेंट थी, दुख था, किस तरह की कैफियत थी उस वक्त तुम्हारी? निदा मैं बताऊँ, मैं बहुत इमोशनल हुई हुई थी. मुझे याद पड़ता है कि मैं तुम्हारे ही शो पे आई थी और तुमने मुझसे पूछा कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो कभी भूल नहीं सकी, या कुछ ऐसा कुछ बुरा हुआ या कुछ समथिंग. तो फिर अल्लाह का शुक्र मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड मैं इधर बैठे ही कह रही थी नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं मुझे नहीं पता. फिर मेरी ज़िंदगी में पर्सनली सिर्फ मुझे लेके मैं एक ऐसी चीज़ हुई कि उसने मुझे ना जैसे आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना लाइफ को, तो मुझे झटका एक वेकअप कॉल मिली. और फिर यू नो कसाम का भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, वो मेरे जो 5 से 6 महीने गुजरे थे ना, मैंने कहा ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको नहीं पता कब कब क्या हो जाए. आज मैं हूँ जिंदा, यू नो कल मैं ना हूँ. तो वो उस डिसीजन ने मुझे बहुत आसानी मेरे लिए पैदा कर दी और मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि आई वॉज वेरी इमोशनल. आई थॉट दिस इज़ द राइट डिसीजन कि अलाया हम दोनों के साथ रहे और हम दोनों एक साथ रहें कि ठीक है. इवन दो मैं कसाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं चाहती, मैं कहती नहीं कसाम मैं इधर हूँ, तुम आते जाते रहना हर 3 महीने बाद. वो कुछ नहीं कहता, जबकि अभी भी कहता है इफ़ यू नॉट हैप्पी तुम्हारी मर्जी है, हम वापस मूव कर जाते ये वो. तो बट आई थिंक दैट दोज थिंग्स मेड मी फील लाइक नहीं यू नो दिस इज़ इट, कि कल का कुछ पता नहीं है यार, ज़िंदगी कितनी छोटी है.